जय जिनेंद्र, हम इस बार संकेश्वर पहुँचे हैं और बहुत टाइम के बाद हमने ये ब्लॉग बनाया है। सो आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग को देखें और इन्जॉय कीजिए। हमने बहुत सारे नए तीर्थ के दर्शन भी किए हैं। सो हमने हमारी बुकिंग मातृबाप छाया भवन में की है। वहाँ से हम लोग फ्रेशन अप होके फिर रेडी होके हमने संकेश्वर दादा की पूजा की है। लास्ट मोमेंट में गए थे हम लोग, डैट इज़ अराउंड 4:30 to 5:30 के आसपास हमारी पूजा हो गई थी। सो फाइनली दादा के दर्शन भी हो गए। अब हमने लब्धिधाम तीर्थ दर्शन किया, जहाँ की प्रतिमा बहुत सुंदर है और बहुत पुरानी है। मंदिर का जो इंटीरियर है वो बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की मूर्ति जो है पार्श्वनाथ भगवान की है, मैं आपको बता देता हूँ। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी डिज़ाइंस की है। ये मंदिर में अंदर ही ऐसा सुकून मिल रहा है, और भगवान की जो प्रतिमा है उनको देख के और भी सुकून मिल रहा है। ये है दूसरा तीर्थ, प्रवचन स्तुति तीर्थ। यहाँ की प्रतिमा आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी की है, और यहाँ पर मज़े भी आए, झूले वूले नहीं थे हालांकि, बट मज़े आए उसमें कि वहाँ पे 2-3 और लोग भी मिल गए हमको। और भगवान की जो प्रतिमा है वो भी सुंदर है, बिल्कुल पिछले मंदिर जैसा। ये यहाँ का डेकोरेशन मनी लक्ष्मी के जैसा ही है, बहुत सुंदर है और प्यारा। आप मंदिर के दर्शन का लाभ लीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये है समेत शिखर पार्श्वधाम। यहाँ की प्रतिमा सुंदर है, मुझे अच्छा लगता है ये मंदिर, क्योंकि इसमें टर्टल्स है। और एक चीज़ बोलनी पड़ेगी, यहाँ पर हॉर्सेस काउज सब कुछ है। ये लोग अभी, ये तो छोटा लग रहा है बट बाद में इसको बड़ा बनाएंगे। और मंदिर जो है बहुत खूबसूरत है, अंदर से प्रतिमा इतनी प्यारी है। और उस दिन शायद हाँ महाशिवरात्रि के अगले दिन था, और हम लोगों को बहुत मज़ा आया मंदिर में जाकर। ये कलश कुबेर तीर्थ है, और उसके बाद हमने पावापुरी जैन तीर्थ का भी दर्शन किया है। फिर फाइनली हम पहुँचे 1000 पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जो अभी नया बना है, जो संकेश्वर से अराउंड 12-13 किलोमीटर्स है। इसका पूरा वीडियो देखना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप पूरे 1008 भगवानों के भी दर्शन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।